हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज को जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, जो शायद आप अभी देख रहे हो, ये ब्लॉग दरअसल मैं जानबूझ के अभी गाड़ी निकाला हूँ। मैं ड्राइविंग मोटा मोटी 10 किलोमीटर में जाऊँगा। पूरा बरसात हो रहा है, जैसे आपको पता ही है मानसून आ गया है। कलकत्ता में भी बारिश हो रहा है, एकदम कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी हालत पे मैं जस्ट ड्राइव करने जा रहा हूँ 10-15 किलोमीटर के लिए। एंड मैं देखना चाहता हूँ जो हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस LED हेडलाइट्स। जैसे हम लोग को सबको पता है या फिर हम लोग बोलते हैं कि बरसात में या फिर जब बारिश होता है तो LED हेडलाइट्स उतना यूज़फुल नहीं होता है। तो अभी तो मैं जस्ट वही चीज़ चेक करने के लिए मैं निकला हुआ हूँ। तो अभी मैं अपना अभी तो मेरा हेडलाइट ऑन है, तो मैं अपना हेडलाइट अभी एक बार बंद कर दूंगा। अभी मेरा हेडलाइट जल रहा है तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो अभी ये हालत में मेरा अभी हेडलाइट बंद है। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट जल रहा है, काफ़ी सारा स्ट्रीट लाइट है, तो इसमें तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। मैं आगे देखता हूँ कहीं पर अंधेरा मिलेगा, लेकिन रोड पर जो विजिबिलिटी है वो तो मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे अभी जैसे देख रहे हो, अभी हेडलाइट मेरा गाड़ी का बंद है। आगे बेहतर थोड़ा सा अंधेरा जगह मिलेगा। जैसे यही जगह पे थोड़ा सा अंधेरा है तो इसमें मैं हेडलाइट अपना ऑन कर रहा हूँ। सो अभी आप लोग जो देख रहे हो सामने का व्यू मेरा डैश कैम से, ये मेरा हेडलाइट ऑन हालत में है। आप जैसे देख रहे हो चारों तरफ बारिश का पानी भी काफ़ी हो चुका है चारों तरफ। तो मैं अभी कुछ अपना ओपिनियन दूंगा नहीं, और थोड़ा सा चला लूँ, थोड़ा सा अंधेरा जगह में जाऊँ। अभी तो स्ट्रीट लाइट का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो मैं अगर हेडलाइट बंद भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चल के फिर एक बार कोशिश करते हैं थोड़ा सा अंधेरा जगह में, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट उतना नहीं होगा, वहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं जो हाउ इज़ द विजिबिलिटी इन मानसून दिस। तो फिर ये LED हेडलाइट का जो भी एक बदनाम है, जो बारिश में विजिबिलिटी अच्छा नहीं होता है, तो उसका अच्छा टेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और दोस्तों, आप जो भी फुटेज देख रहे हो ये एब्सोल्युटली अनकट अनएडिटेड मैं फुटेज ही डालूंगा, ताकि आपको रियल लाइफ सिनेरियो पता चले। ऐसा नहीं जो मैं कुछ ज़्यादा एडिट करके ब्राइटनेस घटा बढ़ा के या फिर उसको एडिट करके छोटा छोटा क्लिपिंग डाल के अच्छा अंधेरा जगह में खाली मैं दिखाऊं। दिस इज़ द एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन, लाइक मतलब जो है, जो आपको डेली सिटी में या फिर हाईवेज में तो मैं चलाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तभी मैं बता पाऊंगा। लेकिन अगर सिटी में आप हेडलाइट ऑन करके चलते हो तो उसका जो रिव्यू है वो आप सामने खुद देख सकते हो। पता नहीं आज को साइकिल वाला लोग का क्या हो गया, सब दिमाग फिरा हुआ है लग रहा है, हर एक कोई साइकिल लेके अंदर आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपको आपको ऐसा नहीं जो आपको ये शॉट वो शॉट वेरिएशन ज़्यादा ना दिखाई पड़े, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं जानबूझ के ये विदाउट एनी एडिट आई विल अपलोड दिस वीडियो फॉर यू पीपल। जो ब्रिज़ा या फिर किसी भी तरह का जो LED हेडलाइट यूज़ करने वाला गाड़ी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं जानबूझ के भी आज को मैं एक बार भी अपना हेडलाइट ऑफ नहीं किया। सच बात बताऊँ तो मैं उतना ज़्यादा हेडलाइट ऑन करके गाड़ी में चलाता हूँ नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब अभी आप हेडलाइट में बंद कर दूंगा तो आपको पता चलेगा, तो आप बिना हेडलाइट का भी आराम से चला सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन मैं जस्ट बारिश हो रहा है तो उसी में मैं अपना विजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए मैं हेडलाइट ऑन करके रखा हूँ। अगर ये सूखा मौसम होता या फिर बिना बारिश का होता तो डेफिनेटली मैं अपना हेडलाइट ऑन नहीं करता, या तक मैं तो फॉग लाइट भी ऑन नहीं करता, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता है। और एक बढ़िया चीज़ जो ब्रिज़ा में है, ब्रिज़ा का जो DRL है वो इतना पावरफुल है, तो आपका तो वो छोटा मोटा तो हेडलाइट उसी का काम कर जाता है, तो वो भी एक बेस्ट पार्ट है ब्रिज़ा में। तो आप जैसे देख सकते हो पूरा रास्ता गीला हुआ है, पूरा बारिश अभी भी हो रहा है, वो आप विंडस्क्रीन में देख ही सकते हो। एक बार क्लियर कर देता हूँ, और देखिए धीरे धीरे अभी जो आप रास्ता देख रहे हो इसमें धीरे धीरे अंधेरा पड़ रहा है आगे, हालांकि हेडलाइट का। चलिए फिर आगे देखते हैं कैसे होता है।
अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इसमें एलईडी हेडलाइट में कोई इश्यू नहीं है, ये एब्सोल्युटली फाइन। आपका विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक है, काफ़ी अच्छा है। और जैसे मैं पहले बोला हूँ आपको, मैं जानबूझ के अपना जो हेडलाइट लेवलर है मैं एकदम नीचे करके रखा हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसको ज़्यादा सा ब्लाइंड नहीं करना है। लेकिन ये भी चीज़ है, ये ज़्यादा ब्लाइंड करता नहीं है, क्योंकि इसका जो कटआउट है इट्स एब्सोल्युटली, मतलब आपका जो सामने वाला जो ड्राइवर है या फिर आपका जो सामने भी जो बंदा जा रहा है, देखिए यहाँ पर लाइट कैसा है, लेकिन इसमें भी आपको विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब तो इसमें आपको इतना मैं बता सकता हूँ, अभी तो मैं इतना लगभग 8 8 किलोमीटर में गाड़ी चला लिया हूँ कंटिन्यूसली, आप ही लोग के साथ हूँ। शायद वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाए तो मैं थोड़ा सा बीच में काट दूंगा, क्योंकि तो इतना बड़ा वीडियो तो आप लोग देखोगे भी नहीं और बीच से ही हटा दोगे, तो मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। मैंने एडिट इन द सेंस, आई विल नॉट एडिट इन दैट सेंस, आई विल जस्ट कट फ्यू पोर्शन, जहाँ जो अननेसेसरीली होगा, अननेसेसरीली जो पोर्शन है वो मैं कर दूंगा एडिट, ताकि वीडियो 8 10 मिनट में हो जाए, क्योंकि फालतू का चीज़ आप लोग का टाइम बर्बाद करके फ़ायदा है नहीं। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि अगर कौन कोई भी डैश कैम, ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मोटा मोटी रेंज का एक अगर कोई भी डैश कैम आप लोग यूज़ करते हो या फिर आपका कुछ रिकमेंडेशन है, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग वन, ताकि ये जो फुटेजेस हैं ये क्लियरली मैं दिखा सकूँ। चलिए मैं मोटा मोटी मैं बिल्डिंग में पहुंच गया, इसके अंदर भी उतना ज़्यादा तो लाइट तो होता नहीं है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं हेडलाइट ऑन के हालत में क्या विजिबिलिटी है। देख क्या विजिबिलिटी है, आप देखिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी तो बारिश हुआ है, पूरा गीला हुआ है, और ये खाली मेरा लो बीम है, ये हाई बीम है, तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो पूरा अंधेरा है एंड सीधा विजिबिलिटी, पूरा दिन जैसे उजाला है, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। आँख बंद करके आप ले सकते हो ब्रीज़ा। आप देखिए लाइट, देखिए लाइट, देखो महाराज लाइट देखो, ये हाई बीम, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, तो यू विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ इशू रिगार्डिंग द हेडलाइट्स ऑफ ब्रिजा। सो चलिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, और